चार दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस सुखदेव सिंह ओगामेडी के हत्यारों तक पहुंच ही गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने तीन लोगों को चंडीगढ़ सेक्टर 22 ए के शराब ठेके पर बने कमरे से दबोचा। गिरफ्तार किए गए दो आरोपी रोहित राठौड़ और नितिन फौजेता के मुख्य गुनाहगार है। तीसरा उधम सिंह इनकी सहायता कर रहा था। अभी यह खुलासा होना बाकी है कि ओगामेडी को गोली क्यों मारी और इन्हें इसके लिए क्या मिला। घटना के बाद जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस मिश्रा के करीबी गैंगस्टर रोहित गोदार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ओगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह ओगामेडी की हत्या हुई थी। इस संदर्भ में तीन आरोपियों को जो मेन अक्यूज्ड है उनको दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। डीसीपी अमित, एसीपी उमेश और इंस्पेक्टर राकेश की टीम ने। सबसे पहला आरोपी नितिन फौजी डूंगरपुर जाट महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद रोहित राठौड़ मकराना राजस्थान का रहने वाला है और तीसरा इनके साथ उधम सिंह जो हिसार का रहने वाला है। अब इसमें मर्डर के बाद जो राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम है एमएन दिनेश, उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ था। उन्होंने ये बताया कि मर्डर के बाद इन्होंने जयपुर से डीडवाना के लिए टैक्सी ली, डीडवाना से बस पकड़ के दिल्ली की तरफ चले हैं, इसलिए हमारे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ी। हमने अपने कमिश्नर साहब से विमर्श करके उनके निर्देश पे इस एनडीआर की टीम को इस काम पे लगाया। जब हम उनको ट्रैक करने लगे तो हमें लगा कि वो डीडवाना से दिल्ली आने के बजाय डूंडाहेड़ा में ही बस से उतर गए, सॉरी धारूहेड़ा में, और धारूहेड़ा से उन्होंने एक ऑटो किया और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचे। हमारी टीम लगातार उनको ट्रैक करती रही। रेवाड़ी से उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी जो हिसार रेलवे स्टेशन पे, हमने सीसीटीवी फुटेज निकाला हिसार का। वहां से जब हम आगे ट्रैक किए तो हमें लगा कि इनके साथ और लड़के जुड़ गए वहां पे। वहां से इन्होंने हिमाचल के लिए टैक्सी की और सीधे मनाली की तरफ चल पड़े। हमारी जितनी टीमें थी, कुछ टीम हिसार में स्टेशन होगी, कुछ दिल्ली में, कुछ धारूहेड़ा में, कुछ राजस्थान में, कुछ हिमाचल में और कुछ चंडीगढ़ में। एनडीआर की सारी टीमें चारों तरफ फैल गई। राजस्थान पुलिस के जो एडीजी क्राइम की टीम थी उनके भी दो तीन लोग हमारी टीम के साथ चंडीगढ़ की तरफ और हिमाचल की तरफ चल दिए। तो इसका जब हम रियल टाइम में ट्रैक कर रहे थे तो वहां से पता चला कि हिमाचल से फिर ये वापसी की तरफ आ रहे हैं। तो कल रात में चंडीगढ़ में हमारी टीम्स ने इंटरसेप्ट किया इनको और इन तीनों को वहां से लेके आए और अब इनको हम गिरफ्तार करके उसको राजस्थान पुलिस के हवाले जयपुर के लिए रवाना करें। तीनों का रोल क्या है? देखो, दो तो शूटर है और तीसरा जो ये उधम सिंह है, ये हिसार से इनका सब टैक्सी वगैरह करा के इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करके पैसा वैसा और हिमाचल तक इनको लेके गया और इनको पूरा लॉजिस्टिक प्रोवाइडर उधम सिंह है। हाँ, वो सारे एंगल जो है अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अभी इंट्रोगेशन चल रहा है और नितिन फौजी का भी चल रहा है, इनका भी चल रहा है, उसका खुलासा बाद में किया जाएगा। जो ऑपरेशन जो डिटेल थे